सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके एंड आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा जाए एंड ढेर सारी खुशियाँ भी रहे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई कुछ छोटी और बड़ी न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है जैक रायन सीजन 4 की तरफ से। तो खुद इस शो के एक्टर जॉन क्रेसिंस्की ने रिवील कर दिया है कि उन्होंने सीजन 3 एंड सीजन 4 दोनों बैक टू बैक ही शूट कर लिए थे ताकि जो उनके एंड उनके शो के फैन है उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये तो खुश खबरी है मेरे जैसे उस शो के फैंस के लिए। अगली न्यूज़ है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से, जो कि एक रूमर है कि शायद वो शो आर रेटेड नहीं होगा। एक और न्यूज़ है डेडपूल 3 से, शायद उसमें क्विक सिल्वर दिख सकता है। अगली न्यूज़ है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के ट्रेलर से, जो कि हम फैंस वेट कर रहे थे। तो खुद उस मूवी के एक्टर विन डीजल ने कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का ट्रेलर 2 महीने के अंदर आ जाएगा। अगली न्यूज़ है एमसीयू के कैरेक्टर नोवा से, जो कि हम जानते हैं कि जल्द ही मार्वल नोवा को इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मूवी होगी या सीरीज वो नहीं पता रहा। तो शायद ये कंफर्म हो चुका है कि वो एक मूवी होगी। अगली न्यूज़ है अवतार दी वे ऑफ वाटर से, जो कि ये मूवी ऑफिशियली क्रॉस कर चुकी है $1 बिलियन ग्लोबली। अगली न्यूज़ है रॉबर्ट डॉनी जूनियर की तरफ से, जो कि एक रूमर है शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर फिर से कैमियो कर सकते हैं आर्मर वॉर्स में एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी। अगली न्यूज़ है टॉप गन मैवरिक से, जो कि ये मूवी मोस्ट वॉच मूवी बन चुकी है पैरामाउंट प्लस पे। अगली न्यूज़ है स्पाइडरमैन की मूवी से, जो कि रिलीज होने वाली थी 1990 में, जो कि हम सबके फेवरेट डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो किसी रीजन के चलते कैंसिल हो गई थी। तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हो चुका है। अगली न्यूज़ है चार्ली कॉक्स के शो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। तो वो डेयरडेविल की सारी कॉमिक बुक स्टार्ट टू फिनिश रीड कर रहे ताकि वो खुद को एक और बार उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सके। एंड चार्ली कॉक्स ने अभी ये भी कहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो ज़्यादा रिगर ड्रामा पे फोकस करेगा, ना ही फाइटिंग पे। तो शायद ये हिंट हो सकती है वो डेयरडेविल देखने को ना मिले जो हम नेटफ्लिक्स पे देखते थे, बल्कि वो देखने को मिले जो हम सी हल्क में देख चुके हैं। एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था आप सब जानते हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ है अवतार 3 एंड अवतार 4 के बारे में। तो खुद उस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने रिवील कर दिया है कि अवतार 3 रिलीज होगी अगले 2 साल के बाद एंड अवतार 4 रिलीज होगी अवतार 3 के 3 साल के बाद। आपका क्या ओपिनियन है, इतना वेट करना सही होगा? आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगली न्यूज़ है हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में, जो कि ये शो मोस्ट पायरेटेड शो ऑफ 2022 के टॉप लिस्ट में है, मतलब कि ये शो मोस्ट पायरेटेड टीवी शो में से एक बन चुका है। अगली न्यूज है नाइज आउट 3 के बारे में, जो कि रायन जॉनसन ने राइटिंग शुरू कर दी है, मतलब कि बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी वो फिल्म। वैसे आपको ये फ्रेंचाइजी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं श्योर हूँ कि इतना परफेक्ट नहीं था लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना एंड हाँ बाय।